हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत में तेज रफ्तार से देखिए आपने देश और दुनिया की सभी बड़ी और जरूरी खबरें, और अब खबरें आपको बता देते हैं विस्तार से। और शुरुआत करेंगे आरएसएस से जुड़ी खबर से। आरएसएस के सरकार्यवाह भैया जी जोशी ने बड़ा बयान दिया है। गोवा में एक कार्यक्रम में भैया जी जोशी ने कहा, बीजेपी का विरोध करने का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं और ना ही बीजेपी का मतलब हिंदू है। तो भैया जी जोशी ने गोवा के पणजी में यह बयान दिया और उन्होंने गोवा के कार्यक्रम में कहा कि बीजेपी का विरोध करना किसी भी तरह से हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता और ना ही बीजेपी का मतलब हिंदू है। एक सवाल के जवाब में वो ये सब कुछ बोल रहे थे। हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दे रहे। भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हिंदुत्व को विरोध करना ये भी पॉलिटिकल, हिंदुत्व को समर्थन करना ये भी कभी कभी पॉलिटिकल होता है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व, हिंदू समाज इससे ऊपर उठना चाहिए। वो राजनीति से ऊपर उठेगा, ये सारे हिंदू हिंदू का विरोध है वो केवल राजनीतिक कारणों से हुआ है ऐसा मान के चलते हैं, अनुभव भी ऐसा बताता है। और देखिए इसके अलावा हिंदुओं के आपसी विरोध को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था और उसी के जवाब में भैया जी जोशी ने कहा कि इसकी वजह राजनीतिक है और ये पहले भी होता रहा है। हिंदू हिंदू का शत्रु बनता है, ऐसे उदाहरण है अपने यहां पर, वो आज के नहीं। एक जाति के लोग भी आपस में विरोध करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को विरोध करने वाले उन्हीं के कुल के उनके ही परिवार के लोग थे ना, नहीं थे तो राणा प्रताप को विरोध करने वाले वही के राजपूत थे ना। तो जिन्होंने इस प्रकार के सारे भ्रम निर्माण हुए और स्वार्थ केंद्रित हो गए, वो स्वार्थ केंद्रित लोग ही ऐसे इस मार्ग पर चलने वालों को विरोध करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनको विरोध करने में ही हमारा स्वार्थ है। आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी के बलिया से सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त की। अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, और अपने संसदीय क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए मंदी पर सांसद जी ने बेतुका बयान दिया। मस्त ने कहा कि अगर देश में मंदी होती तो लोग चादर और जैकेट नहीं खरीदते, सिर्फ धोती और कुर्ता पहनकर आते। दिल्ली में, दुनिया में इस समय बड़ा जोर बहस चल रही है, मंदी हो गई, चलल बनु बहस, दुनिया में मंदी हो गई। कैसी मंदी हो गई? अगर मंदी हो गई होते तो हम लोग सब खाली कुर्ता धोती पहन के आए होते, चादर नहीं होता, जैकेट नहीं होता, कोट नहीं होता। ये देखिए देवियां कैसे बैठी, कहाँ से बैठे, ये दुकान पर कपड़ा नहीं खरीदते हम लोग, दुकान पर ये चादर नहीं खरीदते, ये कुर्ता नहीं खरीदते, ये पैंट नहीं खरीदते, पैजामा नहीं खरीदते, तो कहाँ से आता, कहाँ से खरीदते। देखिए मंदी नहीं है ये बताने के लिए देखिए क्या तरीका निकाला है सांसद साहब ने। बढ़ते हैं आगे। यूपी के अलीगढ़ में योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बुर्के को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है, जिस पर आगे चलकर विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। जो बुर्का का सिस्टम जो निकला वो अरब देश से निकला है, क्योंकि कान और नाक उनके जब काट लक्ष्मण जी ने काटे तो उन्होंने बुर्का धारण करके ताकि उनका चेहरा छुपा रहे, इसलिए ये बुरखा पहनते हैं ये लोग, क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं, दैत्यों के वंशज ही बुरखा पहन सकते हैं, आम आदमी बुरखा नहीं पहनेगा। मैं तो इस बात को भी कहूंगा देश की सरकार से, क्योंकि बुरखा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि बुरखा के बेस में आतंकवादी घुस जाते हैं हमारे देश में। तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ज्योति नेता मंत्री कुछ भी बयान देने से पीछे नहीं हटते हैं। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। एग्जिट पोल के अनुमान में दिल्ली में केजरीवाल सरकार की वापसी बताई जा रही है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का दावा है कि दिल्ली में कमल ही खिलेगा। बीजेपी के दावे को आम आदमी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका से जोड़कर देख रही है। ये रिपोर्ट देखिए कि कैसे चुनाव के बाद दिल्ली की लड़ाई अब ईवीएम पर आ गई है। ये एग्जिट पोल फेल होंगे, बीजेपी को दिल्ली ने दिल्ली सरकार में
अपने मत जनादेश दे चुके हैं और 11 तारीख को ये सारे एग्जिट पोल होंगे फेल। बीजेपी क्लियर मेजोरिटी में आ रही है दिल्ली सरकार में। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ताल ठोक रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे फेल होंगे और 11 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी का सियासी वनवास खत्म होगा। मनोज तिवारी का दावा है कि एग्जिट पोल में दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े ही जोड़े गए हैं, जबकि मतदान रात के 7:30 बजे तक हुआ है। इन 4 घंटों में बीजेपी के पक्ष में प्रचंड वोटिंग हुई है। दिल्ली में वोटों की गिनती से पहले ही लड़ाई अब ईवीएम पर आ गई है। ईवीएम की आड़ लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। मैंने ईवीएम की सुरक्षा पे सवाल खड़ा किया। अब हमने कोई टेम्परिंग गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर मनोज तिवारी ने कोई गड़बड़ी कर रखी है, कुछ गड़बड़ घोटाला कर रखा है, तो उन्हें बता देना चाहिए। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे ऐसा एक साजिश की बू आ रही है कि पहले इसको ऐसा माहौल बनाया जाए कि जब बीजेपी की सरकार बने तो फिर कहेंगे ईवीएम का दोष है। मनोज तिवारी भले ही पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हो, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेता अभी खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते। बट योर ओपिनियन आफ्टर एग्जिट पोल चुनाव की घटना की प्रशंसा करिए, धन्यवाद। साधारणतः एग्जिट पोल के आसपास रिजल्ट आते हैं, हमने देखा है, पर दिल्ली में हमें शायद उम्मीद अच्छी कि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं अच्छा परिणाम आएगा। एग्जिट पोल को लेकर आम आदमी पार्टी खुश है तो बीजेपी के अपने दावे हैं। सबको इंतजार है 11 फरवरी का, जब ईवीएम खुलेंगे और ये तय होगा कि दिल्ली में केजरीवाल की वापसी होती है या फिर कमल खिलता है। और देखिए किसके दावे में कितना है दम, ये कल पता चलेगा जब मतों की गिनती होगी। कल वोटों की गिनती होगी और ईवीएम को लेकर आप और बीजेपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। इन सब के बीच स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। नई दिल्ली के गोल मार्केट से एबीपी न्यूज संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सुरक्षा की तैयारी की गई है। इस समय हम नई दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में हैं और मेरे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय, इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये स्कूल के जो गेट हैं उन तमाम जगहों पर पुलिस और सैनिक बल को तैनात किया गया है। स्कूल की जो बाउंड्रीज हैं उसकी तरफ से एक्स्ट्रा लाइट लगाई गई है, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं हर तरफ, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर इस समय इस स्ट्रांग रूम के बाहर जहाँ पर 6 विधानसभाओं के ईवीएम्स रखे हैं, यहाँ पर कुछ लोग ये बैठे आपको नजर आ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये तय किया है कि जब तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर उनके लोग रहेंगे। ऐसे जैसे आप लोग यहाँ 4 लोग हैं, ऐसे दूसरे गेट की तरफ भी बैठे? हाँ जी, दूसरे गेट की तरफ भी हमारे हैं आप लोग? अंदर भी हमारे 3-4 लोग बैठे हुए हैं, पोलिंग एजेंट्स। पोलिंग एजेंट्स। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। देखिए एग्जिट पोल के नतीजे भले ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिखा रहे हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कोई रिस्क लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं ज्योति। और अब बात कर लेते हैं नागरिकता कानून की, जिस पर विवाद अभी भी जारी है। नागरिकता कानून के खिलाफ लगभग 2 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज सुबह 11:45 पर सुनवाई होगी। दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार 58 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। कल ही शाहीन बाग में तिरंगा रैली भी निकाली गई। नागरिकता कानून के खिलाफ शाहीन बाग में 15 दिसंबर से हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए कई सड़कें बंद हैं। शाहीन बाग से गुजरने वाला रूट नंबर 13A जाम है। इस जाम की वजह से नोएडा, दिल्ली और हरियाणा जाने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। मतलब 3 राज्यों के लोग प्रदर्शन की वजह से परेशान हैं। लोगों को हो रही दिक्कतों पर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। इन्हीं याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके अलावा ये मांग भी की गई है कि कोर्ट पुलिस को ये देखने को कहे कि वहाँ भाषण देने वाले लोगों के किन संगठनों से संबंध है, कहीं उनका मकसद देश विरोधी गतिविधियों के लिए लोगों को भड़काना तो नहीं है। शुक्रवार को ही शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के वोटिंग को लेकर कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए टाल दी थी। और इसके अलावा भी एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाने वाला है और वो है SC ST संशोधन एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट का फैसला। 2018 में दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र ने जो याचिका दी थी उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद एक बार फिर शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान
SC/ST एक्ट में जोड़ा गया। कोर्ट में दायर याचिका में इस संशोधन को अवैध करार देने की मांग की गई है। 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत मिलने पर तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। शिकायत मिलने पर फौरन केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। शिकायत की शुरुआती जांच DSP स्तर के पुलिस अफसरों को सौंपी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। कई संगठनों ने बंद बुलाया, जगह जगह आगजनी की गई। इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई थी। देखिए, बेहद अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आज आने वाला है। पहले तो एक तो CA को लेकर फैसला आएगा, दूसरा SC/ST एक्ट को लेकर, और ये बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। अब बात राम मंदिर की कर लेते हैं। राम मंदिर निर्माण की तारीख का जल्द ऐलान हो सकता है। मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक होने वाली है। 2 साल में अगर मंदिर बनने की अपेक्षा है या आकांक्षा है, इच्छा है, तब यही पत्थर, यही मॉडल, वही लंबाई चौड़ाई। 25 साल तक नए मंदिर का स्वप्न देखना है तो कुछ और कर लेना। विश्व हिंदू परिषद के उठाए गए सवालों के बीच हाल ही में बनाए गए राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक होने वाली है। 19 फरवरी को शाम 5 बजे के परासरन के इसी घर में होगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक। ट्रस्ट के पहले सदस्य के परासरन का घर ही ट्रस्ट का पता है। सूत्रों की माने तो 19 फरवरी को ही राम मंदिर निर्माण की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। बैठक में राम मंदिर निर्माण की तारीखों के ऐलान के साथ साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष का भी चुनाव होगा। इसके अलावा ट्रस्ट में नामांकन के लिए 2 सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर होगा। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विश्व हिंदू परिषद की वो मांग पूरी होगी जो चंपत राय ने की है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।